वहीं जंतर मंतर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं किसान। जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को गिराया और गाजीपुर से कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया है। किसान महापंचायत से पहले ही फूट भी पड़ गई है। एसकेएम का पंचायत से कोई लेना देना नहीं है, ये योगेंद्र ने ऐलान किया है, उन्होंने दावा किया है। राकेश टिकैत भी पहले ही अलग होने का ऐलान कर चुके हैं और दिल्ली की सभी सीमाओं पर इस वक्त सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर पर किसान इकट्ठा हो गए हैं। दिल्ली में ये किसानों की अगस्त क्रांति की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों से किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और एमएसपी मुख्य मांगों में है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए सरकार। आज किसान जंतर मंतर पर महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान क्यों जुड़े हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के एक बार फिर किसान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के ये महापंचायत बुलाई गई है, हम इन किसानों से ही जानेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये महापंचायत बुलाई गई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं किसान संघर्ष कमेटी कोटबुड्डा का जनरल सकत्तर पंजाब सुच्चा सिंह लद्दू। सब तो वड्डे मुद्दे का साधा है जो पहले तीन काले कानून हम इधर रद्द करवा कर गए, उसके बाद कुछ मंगे थी जो मोदी सरकार ने मांगी थी, मानी थी और उनको उसने लागू नहीं किया। वो जैसे कि एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा था, तो एमएसपी तक अजय तक भी उन्होंने मोदी ने कोई भी बात नहीं की और टाल मटोला कर रहा है। बताएं आप क्या कहेंगे और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोगों ने ये महापंचायत बुलाई है। सर एक नहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जी। सब तो वड्डा मुद्दा हुने हुने मोदी साहब ने क्रिएट करता है जो कि इलैक्ट्रिसिटी बिल 2022, बिजली शोध बिल 2022 इन्होंने संसद में पेश करके पास करा लिया है, जिस के तहत पूरे भारत का बिजली का जिहड़ा सिस्टम प्राइवेट हाथों के जाऊगा। असी विरोध करते हैं जी, जे जाता है ये ना गरीब जनता बिल भरना बहुत मुश्किल हो जाना है। आपकी मांग है एक अग्निपथ योजना बनाई सरकार ने, उसका भी विरोध करेंगे, कर रहे हैं। हमारे बच्चे पंजाब के 4 साल नौकरी करके कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे बाद में आतंकवादी बनेंगे। और कौन से मुद्दे हैं? हाँ जी, और कौन से हैं? स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, फसलों के सानू मुल दिते जान, MSP तेई फसलों दी जाए। एक दरअसल सब तो वड्डा मुद्दा महंगाई का जी, जिहड़ी डीजल कि चला गया आ, ते जिहड़ी खाने वाली अवस्था ने वह साडी जिहड़ी पहुंच तो बाहर हो रही ने। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 700 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੱਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ 30 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4-4.5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਕ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਜੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸੌਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਬਤਾਏ ਕੌਣ ਸੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਲੇਕਰ ਕੇ ਆਪ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਪਰ महापंचायत कर रहे हैं। देखिए जी, मेन मुद्दा है महंगाई का। आजकल में पेट्रोल डीजल भी महंगा है, उसमें किसानों ट्रैक्टर में आना जाना भी दिक्कत हो रही है और हमारे को खाद में सब्सिडी थोड़ी कम हो रही है, वो बढ़ानी चाहिए। जो किसानों को 6,000 रुपये साल का मिलता है उसको 9,000 रुपये साल कर दिया जाए, तभी किसान लोग खुश हो जाएंगे। तो यानी सब्सिडी से लेकर के महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। वहीं किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो आगे बड़ा किसान आंदोलन होगा। हजारों की संख्या में किसान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चे में अहम भूमिका निभा रहे बलदेव सिंह सिरसा जी हैं। बलदेव जी, आखिरकार किसानों की क्या मांगे हैं, आज इस महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी?
देखिए जी मांगों की बात करिए, वो कोई नई नहीं है, हमारी मांग वही है कि जो इन्होंने 19 नवंबर को वादा किया था कि कानून तो इन्होंने रद्द कर दिए और चलते आंदोलन में जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों को जीप के तले रोंद रोंद कर शहीद किया और उल्टा हमारे किसानों पर पर्चे किए, उनको रिहा किया जाए, दोषियों पर पर्चे किए जाए, MSP पूरे भारत में कानून के तहत लागू की जाए और जो हमारे किसानों के ऊपर नौजवानों के ऊपर पर्चे हुए वो रद्द किए जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50-50 इन बिल लागू की जाए। तो जी अगर बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी इस महापंचायत से अपना पल्ला झाड़ लिया है, साथ ही भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने भी इस महापंचायत से अपना पल्ला झाड़ा है। तो आप भी संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े हैं तो क्या कहेंगे, आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि इन लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया इस महापंचायत से? हमने कहां पल्ला झाड़ा, अरे हम तो किसानों की बात उठा रहे हैं, हम वो लोग हैं जो गैर राजनीतिक हैं, हमने पल्ला कहाँ झाड़ा है, ना पल्ला झाड़ा है ना झाड़ेंगे। हम तो जितनी देर हमारी जिंदगी है और हमारी टीम ऐसी बन रहे वाली है कि जो गैर राजनीतिक रहकर और राजनीतिक लोगों को समय समय पर अपने हक लेने के लिए इनके नाक में दम करती रही। तो बलदेव जी क्या संयुक्त किसान मोर्चा आज इस महापंचायत में शामिल हो रहा है, इसका समर्थन कर रहा है? कौन से में शामिल हो रहा है, अरे संयुक्त मोर्चा तो गैर राजनीतिक है, राजनीतिक लोगों को तो हमने पहले सभी ने फैसला किया था कि हमारी स्टेज पर कोई राजनीतिक नहीं आएगा, हमने नहीं आने दिया। ये लोग संयुक्त मोर्चा को छोड़कर इन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा बना लिया था, हमने कहा छोड़ा। अच्छा आज कितनी संख्या में किसान पहुंचे हैं जंतर मंतर, ये मेरे से पूछने की बात है, आप बताइए। तो क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिला, या फिर ये जो बैठक है, जो ये महापंचायत है, ये कब तक चलेगी, इसकी क्या रूपरेखा होगी? ये आज शाम तक चलेगी, ये तो एक जैसे फिल्म शुरू होने से पहले ट्रेलर दिखाया जाता, ये तो हमने एक ट्रेलर दिखाया, आज फिल्म तो आगे चालू होगी, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर आगे चलेगी। तो आपने देखा हमारे साथ भारतीय संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारी बलवंत सिंह सिरसा जी थे, जिन्होंने कहा कि हम लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आंदोलन की रूपरेखा इसी महापंचायत से तय होगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।